हेलो चंद्रशेखर, सुनाई दे रहा है मेरा बात? चंद्रशेखर, सर मेरा बात क्लियर सुनाई दे रहा है ना? सो वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट. टुडे वी विल डिस्क्राइब वर्चुअल लैब ऑन परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन पेल्टन टर्बाइन. हम लोग इसके पहले जो भी वर्चुअल लैब कर चुके हैं, पांच सब्जेक्ट का हम लोग वर्चुअल लैब कर चुके हैं ऑलरेडी. तो ये पांच सब्जेक्ट का जो वर्चुअल लैब है, ये वर्चुअल लैब को हम लोग जैसे इम्पैक्ट ऑफ जेट किए हैं, फ्रिक्शन फ्लो थ्रू फ्रिक्शन किए हैं, रेक्टेंगुलर नॉच के ऊपर किए, वेंचुरी मीटर के ऊपर किए हैं. अभी हम लोग जो देखेंगे वो है वर्चुअल लैब का एक नया फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर आया है. तो मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ तुम लोग फोन से कैसे करोगे. जैसे मान लो गूगल में तुम लोग वर्चुअल लैब अगर लिखोगे अपना गूगल क्रोम में जाके, तो वहां पे इस तरीके का वर्चुअल लैब का एक आएगा, साइट में वर्चुअल लैब का साइट आएगा. तो उसमें डायरेक्ट इसमें क्लिक करने का कोई जरूरत नहीं है. डायरेक्ट तुम लोग जाओगे सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मैकेनिकल में जाने का जरूरत नहीं, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो फ्लूइड लैब हम लोग था हम लोगों के पास, वो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं. तो हम लोग अभी जाएंगे डायरेक्ट सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का वर्चुअल लैब में. वहां पे हम लोग स्क्रॉल करेंगे तो हम लोगों के पास आएगा फ्लूइड मशीनरी लैब न्यू बोलकर. ध्यान देना, यहाँ पे तीन को वर्चुअल लैब है फ्लूइड का, हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स लैब. इसमें भी है परफॉर्मेंस ऑफ पेल्टन टर्बाइन, फ्रांसिस टर्बाइन, बट इससे हम लोगों को कर नहीं पाएंगे हम लोग अपना फोन में, क्योंकि एंड्रॉइड फोन में अगर इसको हम लोग क्लिक करेंगे तो एंड्रॉइड फोन से ये नहीं चलता है. दूसरा आता है फ्लूइड मैकेनिक्स लैब, इसमें हम लोगों के पास जो भी पांच एक्सपेरिमेंट था वो हम लोग पहले कर चुके हैं. तीसरा में आता है फ्लूइड मशीनरी लैब न्यू, इसको अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का आएगा इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट. तो हम लोग लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरा लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, जहाँ पे लिखा हुआ है परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोलिक रैम, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कपलन टर्बाइन, डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेल्टन टर्बाइन, पाइप बर्स्टिंग एंड परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रांसिस टर्बाइन. तो हम लोग ये हफ्ता में या तो ये और सर नेक्स्ट एक वीक में, काम कीजिए सर, वो फुल स्क्रीन कर दीजिए सर, यहाँ पे बहुत ज्यादा छोटा आ रहा है स्क्रीन में सर, क्या बोले? समझ फुल स्क्रीन करने के लिए बोले सर आप, सकता में नहीं आया है यार, मतलब थोड़ा छोटा जूम सर आपको स्क्रीन फुल स्क्रीन के लिए आपका. बोल रहे हैं मुकेश क्या बोल रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है, और एक बार बताओ. सर, बोल रहे ना कि फुल स्क्रीन कर लीजिए, वहाँ पे जो राइट साइड लिखा हुआ नीचे फुल स्क्रीन, हम लोग को दिख नहीं रहा. अच्छा फुल सर, स्क्रीन है सर, क्यों तो दिख नहीं रहा है सर कुछ भी. फुल स्क्रीन तो है, अब दिख रहा है? नो सर, नहीं दिख रहा है. अच्छा सर, हम कुछ लोग नहीं कुछ दिख नहीं, हम लोग रहा सब छोटा सा दिख रहा है, वो जो ट्रिब्यूट बाय सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर दिख रहा है. है. ओ अच्छा, इसको फुल स्क्रीन कर देने बोल रहे हो, अब ठीक है, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, आप दिख रहे हैं तुम लोग, तो मेरा स्क्रीन है नहीं आप दिख रहे हैं या नहीं दिख रहा है? दिख रहा तो और अगर बड़ा हो जाता अच्छा होता सर. ब्लैंक खुद निकाल, आप दिख रहा है, आप दिख रहे हैं हम तुम लोगों को? डार्क है सर, पूरा ब्लैंक है. एक सेकेंड रुको, वन सेकेंड. दिख रहे हैं आप? डार्क ही है सर. वन सेकेंड, ओके स्टार्ट कर रहा हूं. ओके सर. दिख रहा है? दिख रहा है अभी? नो सर, कुछ नहीं दिख रहा. नहीं अभी कुछ तो नहीं दिख दिख नहीं रहा है रहा है, सर. कोडिंग वाला हो रहा है सर. अभी भी दिख नहीं रहा. वन सेकेंड, आई एम ट्राइंग. हाँ आओ, देख तो दिख, कौन है देख. अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है?
यस सर क्लियर यस सर ओके लेट्स स्टार्ट सो अभी हम लोग जो करेंगे ये हफ्ता और नेक्स्ट हफ्ता के अंदर हम लोग ये वेरियस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेल्टन टर्बाइन फ्रांसिस टर्बाइन एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप उसके बाद डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप जो हम लोग का सिलेबस में बेसिकली है वो हम लोग स्टडी करेंगे तो हम लोग बेसिक अभी शुरू करने जा रहे हैं परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेल्टन टर्बाइन तो परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेल्टन टर्बाइन में जो अपनी तरफ से अनम्यूट करके रखना अगर किसी को कोई भी कुछ प्रॉब्लम होगा तभी अनम्यूट करके फिर बात करना अपनी तरफ से म्यूट करके रखो सो परफॉर्मेंस कैरेक्टर्स ऑफ पेल्टन टर्बाइन का जो एम है वो है तुम लोगों का जो जूम मीटिंग में भी जो लिखा गया था टू कंडक्ट परफॉर्मेंस टेस्ट ऑन पेल्टन टर्बाइन अंडर वेरियस हेड्स स्पीड्स एंड लोड्स एंड टू प्लॉट द ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इसका मतलब क्या है कि परफॉर्म थोड़ा सा पेल्टन टर्बाइन के बारे में हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे पेल्टन टर्बाइन में क्या है कि एक डैम था उस डैम से एक पेनस्टॉक कनेक्टेड था और वो पेनस्टॉक के सामने एकदम फ्रंट पोजीशन में एक नोजल लगा हुआ रहता था और नोजल में एक स्पीयर टाइप का व्हील अरेंजमेंट लगा हुआ रहता है और वो व्हील अरेंजमेंट को अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो नोजल से हाई वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड निकलेगा हेवी काइनेटिक स्पीड लेके अगर नोजल को अगर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो वो क्या स्पीयर को अगर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो नोजल से मेरा लो अमाउंट ऑफ फ्लूइड निकलेगा हाई स्पीड लेके और वो जाके मेरा पेल्टन टर्बाइन का ब्लेड को स्ट्राइक करेगा पेल्टन टर्बाइन का ब्लेड्स को रोटेट करेगा जिसके वजह से रनर पार्ट रोटेट होगा और रनर पार्ट जब रोटेट होगा तब रनर के थ्रू से जो शाफ्ट कपल हुआ है वो उसके ऑपोजिट साइड में अगर कोई भी एप्लीकेशन हो बल मैं मान लेता हूँ कि कोई मोटर लगा हुआ है शाफ्ट के साथ तो वो शाफ्ट अगर रोटेट होगा तो मोटर में भी मेरा मोटर में रोटेट होगा रोटेशन होगा तो मोटर में मेरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा अब मैं देखूंगा कि मेरा किस तरीके से ये काम कर रहा है तो मेरा जो एम है वो है टू कंडक्ट परफॉर्मेंस टेस्ट ऑन पेल्टन टर्बाइन अंडर वेरियस हेड्स स्पीड्स एंड लोड्स एंड टू प्लॉट द ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ओके तो अभी मैं आ रहा हूं इसका थ्योरी पार्ट में थ्योरी पार्ट में क्या बोला जा रहा है थोड़ा सा देखेंगे थ्योरी पार्ट में बोल रहा है पहले तो ये पेल्टन टर्बाइन का जो क्रॉस सेक्शन ऑफ हाइड्रोलिक लैम्प या क्रॉस सेक्शन ऑफ पेल्टन टर्बाइन जो है वो दिखाई दिया है थोड़ा सा ध्यान देना मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ ये इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ ओके देखो यहाँ पे एक पेनस्टॉक है पेनस्टॉक के यहाँ पे एक नोजल टाइप का फिटिंग है जिसमें एक स्पीयर लगा हुआ है नीडल शेप स्पीयर लगा हुआ है यहाँ पे एक हैंड व्हील है ये हैंड व्हील को अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये जो स्पीयर है ये स्पीयर मेरा लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा और अगर हैंड व्हील को अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये स्पीयर राइट साइड में जाएगा और मेरा फ्लूइड का वॉल्यूम उसी हिसाब से निकलता है अकॉर्डिंग टू द स्पीयर अरेंजमेंट उसके बाद वो जो जेट है वो जेट जाके ये जो मेरा टर्बाइन है पेल्टन टर्बाइन का ब्लेड पे जाके स्ट्राइक करेगा ब्लेड्स को रोटेट करेगा तो मेरा ये जो रनर पार्ट है जहाँ पे देखो रनर लिखा हुआ है ये रनर को रोटेट करेगा रनर के साथ जो मेरा शाफ्ट है वो शाफ्ट को रोटेट करेगा ये मेरा बेसिकली पेल्टन टर्बाइन का थ्योरी पार्ट है जिसमें हम लोग ये सारा चीज ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि मेरा पेल्टन टर्बाइन में क्या क्या पार्ट होना चाहिए जिसमें जैसे यहाँ पे नोजल एंड फ्लो रेगुलेशन अरेंजमेंट होना चाहिए ये भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रनर एंड बकेट्स कैसा होता है रनर बकेट्स बकेट्स का एंगल क्या होना चाहिए 160 डिग्री से 70 डिग्री बीच में स्प्लिटर रहना चाहिए ये सारा चीज हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं तो हम लोग डायरेक्ट जाएंगे यहाँ पे दिखाई दिया गया है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे ग्रॉस हेड क्या है इट इज द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन द हेड रेस एंड टेल रेस नेट हेड क्या है इट इज द एक्चुअल हेड अवेलेबल एट द इनलेट एंड टर्बाइन टू वर्क सो नेट हेड मतलब क्या है कि जो ग्रॉस हेड जो रहेगा और फ्लूइड जब पेनस्टॉक के थ्रू से पेनस्टॉक कहाँ है मेरा ये मान लो ये मेरा पेनस्टॉक है ये वाला जो पार्ट है ये पेनस्टॉक से थ्रू से जब मेरा फ्लूइड आएगा मेरा एक्चुअल टर्बाइन में तो ये पेनस्टॉक का इंटरनल सर्कमफेरेंशियल एरिया के वजह से फ्लूइड का मॉलिक्यूल्स के साथ उसका फ्रिक्शन जनरेट होता है जिसके वजह से सर्टेन अमाउंट ऑफ लॉस होता है वो लॉस को हम लोग किससे डिफाइन करते हैं वो लॉस को हम लोग एचएफ से डिफाइन करते हैं और जिससे नेट हेड बनता है मेरा एच जी माइनस एचएफ एचएफ का फॉर्मूला क्या होता है 4FLV² / 2GD जो हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन चैप्टर में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं वेयर F इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन L इज द टोटल लेंथ ऑफ पेनस्टॉक V
V is equal to mean flow velocity of water through the penstock, D is equal to diameter of penstock, and G is equal to acceleration due to the gravity. And after that, we all have already studied the design criteria of the Pelton wheel, where the number of buckets is required. The formula is 15 plus capital D by 2D. Jet ratio is capital D by small d. And also we have already studied the efficiencies of the Pelton turbine, which is hydraulic efficiency, that is runner power by water power, mechanical efficiency, that is shaft power by runner power, and overall efficiency is equal to shaft power by water power. What is the meaning of water power? When the fluid, jab mera ye fluid ye nozzle se blades ke upar strike karega, that is called water power. Aur ye strike ke wajah se runner rotate karega, blades rotate karega, blades ke wajah se runner rotate karega, runner ke wajah se shaft rotate karega. Ye jo mera center mein shaft hai, ye shaft rotate karega. So ye shaft jab rotate karta hai, that is my output. And jab ye jo mera jet ka fluid jaake blade mein strike karta hai, that is my water power, that is my input. So output divided by input equals to the overall efficiency. So this is the theory part of the Pelton turbine. Isme sara cheez we have already described in my video lecture. We have already studied in the Pelton turbine topic in the hydraulic turbines. So abhi hum log jayenge, isme pretest dene ka bhi option hai. Yahan pe kuch questions hai, quiz questions diya gaya hai. ताकि तुम लोग अपने जो थ्योरी स्टडी किए वो थ्योरी को जज करने के लिए कि कैसे तुम लोगों को समझ में आया है कि नहीं, व्हाट आर द बेस्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो देखने के लिए हम लोग ये प्रीटेस्ट दिया गया है, ताकि वो उसमें तुम लोग का क्विज सबमिट करने के बाद तुम लोग कितना करेक्ट कर रहे हो, कितना रॉन्ग कर रहे हो, वो तुम लोग को यहाँ पे दिखाई देगा. तो मैं डायरेक्ट आ जा रहा हूँ प्रोसीड्योर पार्ट में. ध्यान देना, प्रोसीड्योर पार्ट में जो फर्स्ट नंबर है, ओके, नंबर वन, ये जो तुम लोग को मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है, तुम लोगों को मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है? यस सर. यस सर. यस सर. ओके, पिल्टन टर्बाइन में दो टाइप का हम लोग काम करेंगे. एक होगा कांस्टेंट स्पीड, एक होगा कांस्टेंट हेड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट स्पीड? कांस्टेंट स्पीड मतलब एक स्पेसिफिक कांस्टेंट रिवोल्यूशन पर मिनट में मेरा जे सेंट्रीफ्यूगल पंप रोटेट कर रहा है मेरा जेट. और कांस्टेंट हेड मतलब क्या है? कांस्टेंट हेड मतलब जेट का जो हेड है, क्योंकि वो फ्लूइड का जितना हेड लेके वो निकलेगा उसको हम लोगों को कांस्टेंट करना पड़ता है, कांस्टेंट हेड देना पड़ता है. कांस्टेंट हेड कैसे दिया जाएगा, कांस्टेंट स्पीड कैसे दिया जाएगा, वो हम लोग आहिस्ता आहिस्ता स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट प्रोसीड्योर पार्ट में तुम लोग थोड़ा ध्यान दोगे, ये जो पार्ट है, ये पार्ट मेरा जो ये मान के चलते ये वाला जो ये जो मेरा पार्ट है, क्लिक ऑन द ग्रीन बटन दिस एंड ये जो मैं ब्लू कलर से डार्क किया हूँ, राइट, ये जो वाला मेरा पार्ट है, दिस इज माय प्रोसीड्योर, मतलब हाउ आई विल डू. ये जो मेरा पार्ट है, स्टार्ट द पंप बाय प्रेसिंग द स्टार्ट बटन एंड सिलेक्ट द हेड, ये मेरा प्रोसीड्योर है. ऊपर वाला जो पार्ट है जिसको मैंने सिलेक्ट किया हूं, मेरा सिलेक्टेड लाइन जो है वो मेरा है हाउ टू डू द प्रोसीड्योर. ये मेरा प्रोसीड्योर है, ये मेरा स्टेप्स ऑफ द प्रोसीड्योर है, मतलब कैसे पिल्टन टर्बाइन में कैसे शुरू करेंगे और शुरू करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वो यहाँ पे दिया गया है. तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? फर्स्ट वन क्या लिखा हुआ है? ओपन द पिल्टन टर्बाइन कांस्टेंट हेड एक्सपेरिमेंट एंड क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन, शो द बॉटम राइट कॉर्नर एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड. जब हम लोग सिमुलेशन में जाएंगे ये सारा चीज देखेंगे. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव इज टू कंडक्ट परफॉर्मेंस टेस्ट ऑन पिल्टन व्हील अंडर कांस्टेंट हेड एंड टू प्लॉट द ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब स्पीड क्या है, स्पेसिफिक स्पीड क्या है, एफिशिएंसी क्या है, डिस्चार्ज कितना हो रहा है. सो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को ग्राफ में प्लॉट करना है और पिल्टन टर्बाइन को कॉन्स्टेंट हेट के अंदर उसका परफॉर्मेंस क्या है वो हम लोग को जज करना है, मतलब ओवरऑल एफिशियंसी निकालना है. टेल रेस में कितना अमाउंट ऑफ कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है वो हम लोग को निकालना है. क्या क्या मैंने अपैरेटस यूज किया हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल, पेल्टन व्हील सेटअप विद सेंट्रीफ्यूगल पंप. सेंट्रीफ्यूगल पंप इसलिए मैंने बनाया क्योंकि कोई लैबोरेटरी सेटअप में कभी भी डैम बनाना तो पॉसिबल नहीं है. तो डैम क्या करता है, डैम एक हेवी क्या बोलते हैं, डैम एक हाइट में रहता है और वहां से मेरा फ्लूइड पेनस्टॉक के थ्रू से जेट तक नोजल तक आता है और नोजल से वो निकल के जेट में जेट बन के निकल के पेल्टन टर्बाइन का ब्लेड में स्ट्राइक करता है. बट यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज करते हैं. जो सेंट्रीफ्यूगल पंप स्टोरेज टैंक से मेरा फ्लूइड को सिलेक्ट फ्लूइड को मेरा सक्शन करता है
और फ्लूइड को वो सेंट्रीफ्यूगल पंप के थ्रू से वो पेनस्टॉक में भेजता है और पेनस्टॉक के थ्रू से वो फ्लूइड जाके नोजल में स्ट्राइक नोजल तक पहुंचता है और नोजल से वो फ्लूइड जेट बन के जाके पेल्टन टर्बाइन में टर्बाइन का ब्लेड में स्ट्राइक करता है। सो उसके पहले हम लोग देखें साथ में क्या है, प्रेशर गेज वेरियस पेनस्टॉक का वेरियस जगह में कितना मेरा प्रेशर है वो मेजरमेंट करने के लिए, मतलब पाइप के अंदर कितना प्रेशर है वो मेजरमेंट करने के लिए हम लोग प्रेशर गेज यूज करेंगे। स्प्रिंग बैलेंस यूज करेंगे क्योंकि मुझे लोड डिफाइन करना पड़ता है। एक्चुअल इंडस्ट्री मॉडर्न इंडस्ट्री कल्चर में या इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो मेरा टर्बाइन हम लोग यूज करते हैं वो टर्बाइन के ऊपर टर्बाइन के साथ एक शाफ्ट कनेक्टेड रहता है, वो शाफ्ट मेरा एक मोटर के साथ कपल किया गया है। वो टर्बाइन का शाफ्ट जब कितना मेरा रोटेट कर रहा है तो उस टर्बाइन का शाफ्ट का एक एंड में अगर पेल्टन टर्बाइन अटैच्ड है तो उस टर्बाइन का दूसरा एंड में मेरा लोड अटैच्ड है। लोड अटैच मतलब मैं कितना अमाउंट ऑफ कितना वेट मैं वहां पे डाल रहा हूँ। जैसे एग्जांपल मानो तुम्हारे घर में तीन फैन चल रहा है, राइट? तो तीन फैन चल रहे में जितना इलेक्ट्रिसिटी उसको लग रहा है, अगर दो फैन चलेगा तो उसमें कम इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, एक फैन चलेगा तो उसमें कम इलेक्ट्रिसिटी लगेगा। तो इसी बेसिस में कितना, अगर मैं तीन फैन चला रहा हूं तो मेरा तीन गुना लोड बढ़ रहा है, एक फैन चला रहा हूं तो मेरा एक गुना लोड बढ़ रहा है। तो उस बेसिस में मैंने यहाँ पे एक स्प्रिंग बैलेंस विद वेट्स को अप्लाई किया हूं, जहां पे मैं वेट देने में स्प्रिंग का एक्सपेंशन होता है और स्प्रिंग का एक्सपेंशन होने में कितना मेरा टॉर्क जनरेट हो रहा है, वो शाफ्ट रोटेट करने के लिए कितना मेरा टॉर्क जनरेट हो रहा है वो चीज मुझे पता चलता है। तो ये इस तरीके से हम लोग शुरू करेंगे। तो ये सब एपरेटस मेरा यहाँ पे पेल्टन टर्बाइन का सेटअप में मेरा यूज हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखूंगा डिस्क्रिप्शन में टर्बाइन, इंपल्स टर्बाइन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपल्स टर्बाइन। यू नो दैट इंपल्स टर्बाइन मींस दे आर ओनली द काइनेटिक एनर्जी इज अप्लाइड एंड द प्रेशर एनर्जी इज अप्लाइड फॉर द एटमोस्फेरिक, राइट? इट्स एटमोस्फेरिक एनर्जी इज अप्लाइड। बट फ्रांसिस टर्बाइन कपलान टर्बाइन के लिए क्या होता है कि प्रेशर एनर्जी प्लस पाइप के अंदर से फ्लूइड आता है तो अंडर प्रेशर में फ्लूइड रहता है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी दोनों यूज होता है। बट इंपल्स टर्बाइन के लिए हम लोग सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को यूज करते हैं। रिएक्शन टर्बाइन क्या है, इज अ टाइप ऑफ टर्बाइन डेवलप्स टॉर्क बाय रिएक्टिंग टू द प्रेशर और वेट ऑफ अ फ्लूइड। ग्रॉस हेड वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन द हेड रेस एंड टेल रेस एंड नेट हेड इज द एक्चुअल हेड अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ द टर्बाइन टू वर्क। सो नाउ नेक्स्ट इज क्या प्रोसीड्यूर है, स्टार्ट द पंप। Where is the pump? अब मैं थोड़ा सा ये सेटअप में जाऊंगा, सेटअप में दिखाऊंगा कि क्या क्या है इस सेटअप में। यहाँ पे जो है जहाँ पे मैं एयर कर्सर को मैं रोटेट कर रहा हूँ, ये कर्सर में जो लगा हुआ है ये मेरा है सेंट्रीफ्यूगल पंप। ओके, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप से मेरा पेल्टन, देखो एक पेनस्टॉक गया है बट पेनस्टॉक जो है वो थोड़ा सा बेंड हो गया है, जिसका एक पोर्शन थोड़ा सा ऊंचा है और बाकी पोर्शन वो थोड़ा सा नीचा है। ऊंचा इसलिए किया गया है क्योंकि अगर थोड़ा सा अगर फ्लूइड को हाइट से अगर मैं रिलीज करता हूं तो फ्लूइड का क्या होता है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन फ्लूइड के अंदर एनर्जी जनरेट होता है फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। फ्लूइड के अंदर एक वेलोसिटी, वो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, क्योंकि अगर फ्लूइड इस पाइप के थ्रू से अगर यहाँ तक इस टॉप लेवल तक पहुंचेगा तो ऑब्वियसली फ्लूइड के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगा और जब वो यहाँ से रिलीज होगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर वो फ्लूइड इस, यहाँ पे एक नोजल लगा हुआ है, ये नोजल से वो फ्लूइड्स निकलेगा जेट बनके और यहाँ पे एक बल्ब भी लगा हुआ है। वो बल्ब को अगर मैं ओपन करूंगा, ये बल्ब बेसिकली वो स्पीयर का काम कर रहा है, स्पीयर विद नोजल अरेंजमेंट जो मेरा पेल्टन टर्बाइन में था वो स्पीयर का काम कर रहा है। वो फ्लूइड क्या होगा, अगर मैं बल्ब को एंटी क्लॉकवाइज में क्लिक रोटेट करूंगा तो फ्लूइड बहुत स्पीड से जेट से निकलेगा और वो ब्लेड में जाकर स्ट्राइक करेगा, और अगर क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो फ्लूइड क्या होगा, थोड़ा कम वॉल्यूम में वो नोजल में आएगा और जेट बन के निकलेगा नोजल से और वो जाके पेल्टन टर्बाइन का ब्लेड में स्ट्राइक करेगा। ये पेल्टन टर्बाइन के साथ एक मेरा शाफ्ट अटैच्ड है, वो शाफ्ट मेरा यहाँ पे मोटर के साथ मेरा कनेक्टेड है, ये शाफ्ट मेरा ये मोटर के साथ कनेक्टेड है और ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप के साथ मेरा ये पावर हाउसिंग कनेक्टेड है। ये जो पावर हाउसिंग को अगर मैं क्लिक करूंगा तो मेरा क्या होगा, स्टार्ट द पंप बाय प्रेसिंग द स्टार्ट बटन एंड सिलेक्ट द हेड। तो मतलब अगर मैं इस ग्रीन बटन को क्लिक करूंगा तो मेरा ये सेंट्रीफ्यूगल पंप स्टार्ट होगा और सेंट्रीफ्यूगल पंप स्टार्ट होगा तो मेरा यहाँ पे जो रिजर्वर है ये रिजर्वर से मेरा फ्लूइड जाके ये पेनस्टॉक के थ्रू से वो जाके वो नोजल के थ्रू से ये पेल्टन टर्बाइन का ब्लेड में स्ट्राइक करेगा, तो टर्बाइन रोटेट करेगा तो ये शाफ्ट, ये यहाँ का जो शाफ्ट है ये मोटर के साथ कपल है तो ये मोटर का शाफ्ट भी मेरा रोटेट करना शुरू करेगा। और इसको हम लोग कॉन्स्टेंट हेड करेंगे, कॉन्स्टेंट हेड मतलब ये जो मेरा क्या बोलते हैं, ये जो मेरा
पाइप है, पेनस्टॉक है, ये पेनस्टॉक के अंदर मैं हेड को कॉन्स्टेंट करूंगा, बट ये कहां से कॉन्स्टेंट होगा, ये जो मेरा वॉल्व अटैच्ड हुआ है, क्योंकि जब भी सेंट्रीफ्यूगल पंप फ्लूइड को फेंकना स्टार्ट करेगा तो वो फ्लूइड एकदम हेवी फ्लो में इस पाइपलाइन से आएगा, लेकिन उस टाइम ये वाल्व मेरा बंद है, तो ये वाल्व को मैं अगर एक सर्टेन मोशन देके स्टॉप कर दूंगा तो ये फ्लूइड क्या होगा, कांस्टेंट हेड से वो मोशन में, कांस्टेंट हेड से वो टर्बाइन का ब्लेड पे जाके स्ट्राइक करेगा, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्लिक ऑन द हैंड टू रोटेट द इनलेट वाल्व, यहाँ पे जो इनलेट वाल्व है इसको रोटेट करने बोल रहा है। व्हाट इज द प्रोसीड्योर, रोटेट द इनलेट वाल्व टू कीप द हेड ऑफ द वाटर टू बी कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे एक इनलेट वाल्व है, ये वाल्व को मैं अगर रोटेट करूंगा तो क्या होगा कि वाटर का जो हेड होगा वो मेरा कॉन्स्टेंट है, और यहाँ पे भी एक इनलेट वाल्व है, ठीक है, ये इनलेट, यहाँ पे भी एक इनलेट वाल्व रहता है, जो वाल्व यहाँ भी इस साइड से दिखाई नहीं दे रहा है, इसका ऑपोजिट साइड में ये वाल्व रहता है, वो वाल्व को भी रोटेट करके मैं यहाँ से भी हेड को कॉन्स्टेंट कर सकता हूँ। तो ये प्रोसीड्योर के लिए मुझे क्या स्टेप नहीं लेना पड़ेगा, क्लिक ऑन द हैंड टू रोटेट द वाल्व एंड allow the water to flow, note down the pressure and head, click next button to proceed। इसका मतलब क्या है, जब भी मैं इसको हेड को कांस्टेंट करूंगा तो वाटर फ्लो होगा, और जब भी वाटर फ्लो होगा पाइपलाइन से तो प्रेशर गेज में मेरा प्रेशर शो होगा, तो इसीलिए बोल रहे हैं नोट डाउन द प्रेशर एंड हेड एंड क्लिक नेक्स्ट। ये जो ऑप्शन मेरा दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन मेरा नेक्स्ट ऑप्शन के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। देखो यहाँ पे कांस्टेंट हेड सिलेक्ट किया मैंने 17.5, ये मैं सिलेक्ट करूंगा सिमुलेशन पार्ट में जाके। कांस्टेंट प्रेशर मेरा 2.27 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो मेरा हेड सिलेक्ट करने के बाद ये शो हुआ प्रेशर गेज में। नेक्स्ट अप्लाई द वेट ऑफ द पैन, पैन देखो यहाँ पे एक वेट पैन का पैन दिया गया है जिसमें हम लोग को वेट डालने बोल रहा है। जब भी हम लोग इसमें वेट डालेंगे तो स्प्रिंग बैलेंस मतलब स्प्रिंग एक्सपेंशन होगा, और जब स्प्रिंग एक्सपेंशन होगा तब हम लोग वहां से टॉर्क जनरेट, टॉर्क डिफाइन कर पाएंगे कि कितना वैल्यू ऑफ मेरा टॉर्क जा रहा है, कितना वैल्यू ऑफ मेरा लोड है। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन का क्या कॉन्सेप्ट है ये तुम लोग अगर मैं कॉलेज में रहते हम तुम लोग को दिखा देते। बेसिकली हम लोग के पास पावर इंजीनियरिंग जो तुम लोग का फिफ्थ सेमिस्टर का सब्जेक्ट है उसमें हम लोग को पास बहुत सारा मशीनरीज है, तो उसमें ब्रेकडाउन का यूज किया गया है। ब्रेकडाउन मतलब बेसिकली एक ऐसा ड्रम है जो बेसिकली ब्रेक क्रिएट करता है मशीन में, राइट, क्योंकि अगर हम लोग और भी ज्यादा लोड देंगे तो वो मशीन को काम करने में और भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो लोड्स के हिसाब से ये फ्लूइड कैरिंग कैपेसिटी बना हुआ रहता है, ठीक है। तो जब भी कभी भी हम तुम लोग अभी कॉलेज आओगे तुम लोग हम ब्रेकडाउन का कॉन्सेप्ट दिखा देंगे। तो ये फॉर्मूला है टॉर्क का, W माइनस एस इंटू आर इंटू जी, वे W इक्वल्स टू 1.8 केजी, जो तुम लोग यहाँ पे दोगे 1.8 केजी का। स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग, स्प्रिंग कितना एक्सपेंशन हुआ वो यहाँ से शो होगा 0.7 केजी। उसके बाद रेडियस ऑफ ब्रेकडाउन 0.15 मीटर, इट इज प्री डिफाइंड पहले से। और टॉर्क का फॉर्मूला है W माइनस एस मतलब 1.8 माइनस 0.7 इंटू 0.15 इंटू 9.81। ये अगर अप्लाई करेंगे तो मेरा यहाँ पे टॉर्क का वैल्यू आ जाएगा। सो नोट द स्पीड ऑफ द मोटर, जब भी ये मेरा फ्लूइड जाके पेल्टन टर्बाइन को स्ट्राइक करेगा, सर्टेन अमाउंट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड टेल रेस, ये जो मेरा टेल रेस है टेल रेस में स्टोर होगा, और उस पेल्टन टर्बाइन अगर रोटेट करेगा तो ये जो शाफ्ट मेरा मोटर के साथ कनेक्टेड हुआ है शाफ्ट रोटेट करेगा, तो कितना स्पीड में वो शाफ्ट रोटेट कर रहा है उसको देखने के लिए हम लोग स्पीड ऑफ द मोटर जो है वो मैं देख पाऊंगा। कैसे देख पाऊंगा, हम लोग के पास एक टैकोमीटर रहता है, पर तुम लोग टैकोमीटर के बारे में शायद जानते होंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेम में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अखिलेश सर को अगर पूछोगे तो अखिलेश सर तुम लोगों को अच्छे तरीके से बोल देगा कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टैकोमीटर। टैकोमीटर इज बेसिकली यूज्ड फॉर द मेजरिंग द आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट। ओके, नेक्स्ट क्लिक ऑन द हुक गेज टू नोट द रीडिंग्स, कैलकुलेट द एक्चुअल डिस्चार्ज एंड क्लिक नेक्स्ट बटन टू प्रोसीड। सो जब भी मेरा फ्लूइड स्ट्राइक मतलब जेट जब निकल के पेल्टन टर्बाइन का ब्लेड में स्ट्राइक करेगा, उस टाइम सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड क्या होगा टेल रेस में जाके स्टोर होगा, तो एक सर्टेन टाइम के रिस्पेक्ट में कितना मेरा फ्लूइड स्टोर हो रहा है यहाँ पे वो मैं यहाँ से देख पाऊंगा। इसका कॉन्सेप्ट हम लोग आई थिंक याद है वर्चुअल लैब में वेंचुरीमीटर के टाइम पे हम लोग किए थे, इम्पैक्ट ऑफ जेट में किए थे, उसके बाद रेक्टेंगुलर नॉच में किए थे। इसमें बेसिकली क्या होता है
कि एक सर्टेन टाइम के बाद ये जो फ्लूइड का लेवल है जो स्काई कलर में यहाँ पे दिखा रहा है वो फ्लूइड का लेवल थोड़ा सा ऊपर की तरफ चल जाता है और इससे हम लोग को रीडिंग मिलता है कि इनिशियल रीडिंग कितना था और फाइनल रीडिंग कितना हुआ, इससे हम लोग डिस्चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किए हम लोग क्या क्या टर्बाइन से, गेट ओपनिंग 50%, ये जो गेट ओपनिंग दिया गया है ना, ये गेट ओपनिंग मतलब जो मेरा पेल्टन टर्बाइन में नोजल वाला था, नोजल में जो हम लोग स्पीयर यूज किए थे, स्पीयर फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट था जिसको हम लोग हैंड व्हील से रोटेट करेंगे तो स्पीयर व्हील राइट साइड या लेफ्ट साइड में मूव करेगा, तो उसमें कितना परसेंट ओपन था ये दिया गया है, 50% ओपन था। स्पेसिफिक वेट ऑफ द वाटर कितना है, 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। डिस्चार्ज कितना है, कॉन्स्टेंट हेड हम लोग कितना पकड़े थे, स्पीड ऑफ मोटर कितना पकड़े, कितना मेरा आया है और टॉर्क कितना आया है वो यहाँ पे डिफाइंड है, तो उससे मेरा इनपुट पावर, आउटपुट पावर, एफिशिएंसी, इनपुट पावर, यूनिट स्पीड, यूनिट पावर, यूनिट स्पीड एंड यूनिट डिस्चार्ज हम लोग निकाल सकते हैं। ये सब पेल्टन टर्बाइन में ऑलरेडी स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टर्बाइन जब हम लोग कैलकुलेशन किए थे कुछ दिन पहले का ही बात है, तो स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टर्बाइन का वीडियो लेक्चर में दिखा दिया था कि यूनिट पावर, यूनिट स्पीड एंड यूनिट डिस्चार्ज, ये तीन चीज हम लोग को टर्बाइन का परफॉर्मेंस को जनरेट करने के लिए, परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए हम लोग यूज करते, तो यूनिट पावर, यूनिट स्पीड एंड यूनिट डिस्चार्ज को हम लोग को निकालना पड़ता है। तो इस तरीके से ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट को हम लोग निकालने के बाद फिर से हम लोग नेक्स्ट प्रोसीड्यूर स्टार्ट करेंगे, किसके लिए, कॉन्स्टेंट स्पेसिफिक स्पीड के लिए। यहाँ पे हम लोग कॉन्स्टेंट हीट के लिए किए थे, तो कॉन्स्टेंट स्पीड के लिए हम लोग पेल्टन टर्बाइन का एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो मैं अभी डायरेक्ट आ रहा हूँ सिमुलेशन पार्ट में। सो स्टूडेंट्स, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट, या आई विल स्टार्ट द सिमुलेशन पार्ट? पार्टिसिपेंट्स, डू यू हैव एनी क्वेश्चन और आई विल स्टार्ट द सिमुलेशन पार्ट? यस सर। सर वो जो बताया ना स्प्रिंग का पार्ट, सर वो समझ नहीं आया सर, थोड़ा सा वो जरा एक्चुअली क्या होता है कि मान के चलो तुम, तुम्हारा एक उंगली लो, ठीक है, तुम्हारा बाया हाथ का एक उंगली लो, पहला वाला जो उंगली, ठीक है, उस उंगली में मान के चलो एक स्प्रिंग तुम अटैच किए हो, ठीक है, उस स्प्रिंग के साथ तुम एक लोड कनेक्ट किए हो, ठीक है, तो वो स्प्रिंग क्या होगा, एक्सपैंड करेगा। यस सर। तो वो स्प्रिंग का एक्सपेंशन कितना हो रहा है वो हम लोगों को एक मेजरिंग स्केल होता है, स्प्रिंग गेज होता है, उससे हम लोगों को पता चलता है कि स्प्रिंग का एक्सपेंशन कितना हो रहा है, ठीक। वो स्प्रिंग का एक्सपेंशन से हम लोग टॉर्क कैलकुलेशन करते हैं कि कितना लोड दिए है, लोड मान लो 1 kg दिए, स्प्रिंग का एक्सपेंशन हुआ 0.1 kg, ठीक है, तो W माइनस एस कितना हुआ, 1 - 0.1 kg, राइट, सो 0.9 kg हुआ मेरा W माइनस एस, 0.9 kg होने के बाद इनटू आर, आर मतलब ब्रेक ड्रम, ब्रेक ड्रम का जो कॉन्सेप्ट है वो तुम लोगों को सामने आके हम दिखाएंगे जब तुम लोग कॉलेज में आओगे, भले फोर्थ में आओ भले फिफ्थ में आओ कोई इशू नहीं है, मैं ब्रेक ड्रम का कॉन्सेप्ट दिखा दूंगा क्योंकि वो बेसिकली मशीनरीज में यूज होता है। ब्रेक ड्रम क्या करता है, एक रोटेटिंग डिस्क टाइप का रहता है, उसमें हम लोग रस्सी बांध के रखते हैं, ठीक है, अगर तुम लोग ये वाला ड्रॉइंग देखोगे, अगर तुम लोग ये वाला ड्रॉइंग देखोगे, देखो यहाँ पे एक रस्सी बांध के रखा हुआ है ना, राइट, तो ये ये जो मेरा सामने वाला पार्ट है ये मेरा ब्रेक ड्रम है जिसके अंदर रस्सी फंसा के रखा हुआ है और ये रस्सी से मेरा लोड डालने का जगह बना गया है और ये रस्सी ऑपोजिट साइड में स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है, तो इसमें अगर हम लोग लोड डालेंगे तो मेरा रस्सी में मेरा रस्सी मेरा क्या करेगा, रस्सी मेरा नीचे की तरफ फंसेगा, जब रस्सी मेरा नीचे की तरफ लोड क्रिएट करेगा तो ब्रेक ड्रम क्या करेगा, रोटेट होने का कोशिश करेगा, ब्रेक ड्रम रोटेट होने की कोशिश करेगा, बट ब्रेक ड्रम, ये ड्रम बहुत भारी होता है, हैवी होता है, जो रस्सी का जो रोटेशन को थोड़ा सा एडजस्ट करता है, ठीक है, और स्प्रिंग लेवल में स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग तो बड़ी बहुत पतला होता है ना, तो वो स्प्रिंग बार बार एक्सपेंशन होने की वजह से वो स्प्रिंग में बहुत ज्यादा एरर आ जाता है, तो ये जो एरर को भी रिड्यूस करने के लिए हम लोग ये ब्रेक ड्रम को यूज करते हैं, ठीक है। बट सर यहाँ पे स्प्रिंग के थ्रू आप बोले कि टॉर्क को मेजर कर सकते हैं कि टॉर्क कितना, हाँ स्प्रिंग के थ्रू से टॉर्क मेजर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला है W माइनस ए स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग, मैंने यहाँ पे लोड अप्लाई किया, जब भी मैंने लोड अप्लाई किया एक मान लो 1.8 kg लोड अप्लाई किया, तो 1.8 kg लोड अप्लाई करने के वजह से रस्सी में खींच पड़ा, रस्सी में जब खींच पड़ा तो ब्रेक ड्रम रोटेट होने की कोशिश करेगा और ये ब्रेक ड्रम के साथ क्या कनेक्टेड है, स्प्रिंग कनेक्टेड है, तो स्प्रिंग में खींच पड़ेगा, जब स्प्रिंग में खींच पड़ेगा तो स्प्रिंग क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, तो स्प्रिंग का बैलेंस दिखाएगा कि कितना मेरा ब्रेक ड्रम मेरा कितना उसको मतलब कितना टॉर्क को यूटिलाइज कर रहा है, मैं लोड दूंगा तो कितना टॉर्क मेरा यूटिलाइज हो रहा है वो डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है, तो स्प्रिंग बैलेंस शो करता है कि कितना मेरा परसेंट ऑफ टॉर्क मेरा यूटिलाइज हो रहा है, तो टोटल लोड से मेरा उतना परसेंट
स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग को माइनस करके अगर ब्रेकडाउन से मल्टीप्लाई करते और उसके साथ अगर जी को मल्टीप्लाई करते तो मेरा एक्चुअल टॉर्क डिफाइन होता है. टॉर्क मतलब क्या है? फोर्स इनटू बोलो राइट. सो फोर्स मतलब क्या है? फोर्स मतलब ये देखो W माइनस अगर एस होगा तो दैट इज ऑल्सो द वेट ना. W अगर वेट है, एस अगर वेट है तो दोनों को अगर माइनस करेंगे तो ये भी एक वेट है. इसके साथ अगर R मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.15 इंटू जी. सो वेट इंटू मतलब ये मेरा मास मतलब टोटल केजी है, केजी में है, ये मेरा मास है. मास इंटू जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होता है? वेट. वेट इंटू आर. आर मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. क्या बना मेरा? ग्रुप में एक फोटो खींच के भेज दूंगा आज. ओके सर. ठीक है, मेरा लैब का फोटो खींच के भेज दूंगा. ठीक है, अभी 2:21 हो गया, 2:45 में क्लास खत्म हो जाएगा तो मैं सिमुलेशन पार्ट स्टार्ट कर दूं. ओके सर. ओके, सो मैं सिमुलेशन पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ. तो ये पेल्टन टर्बाइन का कांस्टेंट हेड है. ठीक है, मैंने इसका एक एम ऑफ मतलब जैसे हम लोग का एक लैब मैनुअल होता है तो मैंने एक मैनुअल बनाया हूँ इसके लिए. तो वो मैनुअल आज मैं तुम लोगों को दे दूंगा मूडल में आज का डेट में. और आज का डेट में जो वीडियो लेक्चर दिया गया था वो वीडियो लेक्चर में कल का डेट में दे दूंगा. ठीक है, तो वो मैनुअल तुम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेना अपने हिसाब से. तो फर्स्ट व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, थोड़ा सा ध्यान से स्टडी करना स्टूडेंट्स. Objective to conduct performance test on Pelton wheel under constant head and to plot the operating characteristics. What are the apparatus used? Pelton wheel setup with centrifugal pump. देखो ये centrifugal pump है, ये मेरा Pelton wheel है, Pelton wheel setup है क्योंकि यहाँ पे एक penstock add हुआ है, nozzle attached है, spear wheel regulating arrangement attached है, brake drum है, spring balance है, pressure gauge है. So pressure wheel setup with centrifugal pump. प्रेशर गेजेस आर हियर, स्प्रिंग बैलेंस विद वेट. देखो यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस भी दिया गया है. डिस्क्रिप्शन में क्या है कि इंपल्स टर्बाइन, रिएक्शन टर्बाइन, ग्रॉस हेड एंड नेट हेड का डेफिनेशन दिया गया है. ओके, सो आई विल डू द नेक्स्ट स्टेप. सो नेक्स्ट स्टेप में आया हूँ. क्या बोल रहा है? स्टार्ट द पंप बाय प्रेसिंग द स्टार्ट बटन एंड सिलेक्ट द हेड. देखो मेरा साथ एक हाथ रोटेट कर रहा है, ध्यान दो, एक हाथ मूव कर रहा है. इसको मैं ग्रीन बटन में जाऊंगा, प्रेस करूंगा अपना माउस को. सर वो हाथ दबा नहीं पा रहा. एक सेकंड, मैं सिर्फ स्पीड से स्टार्ट कर दूं. वो कहीं नहीं रहा है. पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, फिर भी देखते एक बार. प्रोसीड्योर में जाते हैं. पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, अभी थोड़ी देर पहले हो रहा था तो अभी नहीं हो रहा है. ओके, हो गया. So start the pump by pressing start button and select the head. Maybe network में कुछ issue था या तो इस software में कुछ problem हुआ था इसलिए pump start नहीं हो रहा था. तो अभी मेरा start हो गया है, ध्यान देना student. हाँ, अभी मेरा start हो गया है. मैंने green button को दबा के मैंने pump start कर दिया हूँ तो मेरा centrifugal pump अभी rotate कर रहा है. अब मुझे बोल रहा है कि select the head. जब select the head मुझे बोल रहा है तो इसमें arrow है, arrow में 5 डेटा दिया गया है, 16.5, 17.5, 18.19.5, 20.5. तो ये डेटा दिया गया है अकॉर्डिंग टू द पेल्टन टर्बाइन का सेटअप के ऊपर. ठीक है, तो ये डेटा वेरियस पावर प्लांट में वेरियस तरीके का होता है. ठीक है, तो ये डेटा डिपेंड करता है कि कौन सा सेटअप हम लोग यूज कर रहे हैं. तो मैं अभी मान के चलते 18.5 सिलेक्ट कर रहा हूँ हेड को, 18.5 मीटर हेड में सिलेक्ट कर रहा हूँ. ओके किया, उसके बाद बोल रहा है कि नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए, तो मैंने नेक्स्ट स्टेप किया. नेक्स्ट स्टेप में बोल रहा है कि रोटेट द इनलेट वाल्व टू कीप द हेड ऑफ द वाटर टू बी कांस्टेंट. इसका मतलब है ये जो मेरा पेनस्टॉक है तो पेनस्टॉक के अंदर से जो मेरा फ्लूइड जाएगा वो फ्लूइड का हेड मेरा कांस्टेंट करना है.
तो मैंने क्या किया, मैंने हेड को तो कांस्टेंट किया 18.5 मीटर में, और इससे मैंने क्या कर रहा हूं, टू कीप द हेड ऑफ द वाटर टू बी कांस्टेंट, इसको मैंने क्या किया क्लॉकवाइज मोशन दिया, ध्यान दिए कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन ये हैंड क्लॉकवाइज मोशन दिया। जब भी वो क्लॉकवाइज मोशन दिया तो प्रेशर गेज में मेरा फ्लूइड का प्रेशर कितना दिखा रहा है 1.49 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड कांस्टेंट हेड मैंने सिलेक्ट किया 18.5 मीटर। ओके, तो मैंने इसको अभी क्या किया, मैंने इसको अभी नेक्स्ट स्टेप में क्लिक किया। नेक्स्ट स्टेप में क्लिक करने के बाद दिखा रहा है कि रेडियस ऑफ द ब्रेक ड्रम, मैंने पैन को वेट किया, देखो अप्लाई द वेट ऑन द पैन एंड नोट द स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग अप्लाइड वेट। मैंने यहाँ पे कितना लोड अप्लाई किया, 1.8 केजी लोड अप्लाई किया। ये ऑटोमेटिक है, तुमको यहाँ पे नहीं दिखाएगा कि तुम कितना लोड अप्लाई कर सकते हो, ये ऑटोमेटिक है, ये जो वैल्यू है ये ऑटोमेटिक वैल्यू है 1.8 केजी, राइट। तो 1.8 केजी डालने के वजह से मेरा जो स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग आया वो कितना आया है 1 केजी। देखो यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग में 1 से थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे रहा है, जो जो नीडल दिया गया है, तो यहाँ पे 1 केजी मेरा स्प्रिंग बैलेंस आया है, 1.8 केजी मैंने अप्लाई किया हूँ, 0.15 मीटर मेरा रेडियस ऑफ द ब्रेक ड्रम है। तो यहाँ पे मुझे टॉर्क को डिफाइन करने बोल रहा है, तो मुझे कोई कैलकुलेशन करके बता सकते हो कि कितना मेरा टॉर्क है डब्ल्यू माइनस एस इंटू आर इंटू जी में, कोई मुझे बता सकते हो कितना मेरा टॉर्क है? पार्टिसिपेंट्स बताओ कितना टॉर्क है, मुझे बताओ। ओके सर बता रहे, अभिजीत गुप्ता अमन विकास सबके लिए बोल रहा हूँ, कितना टॉर्क है तुम मुझे बताओ, क्योंकि अगर हम लोग टॉर्क आंसर नहीं देंगे तो हम लोग आगे फॉरवर्ड नहीं हो पाएंगे। प्लीज बताओ मुझे कितना टॉर्क हो रहा है, मैं भी कैलकुलेशन करने की कोशिश करो। यहाँ पे 1.8 माइनस 1 डब्ल्यू माइनस एस कितना होता है 0.8, सो 0.8 इंटू 0.15 इज इक्वल टू 0.12 इंटू 9.81, देखो तो 1.1772। आंसर बताओ सर, उसको केजी में ही रहने देंगे ना? हाँ केजी में ही रखोगे। एस तो 8 है ना सर, एस तो 1 है ना, एस 1 है स्प्रिंग बैलेंस सर 1.1772। ओके मैंने लिख रहा हूँ यही 1.1772 मेरा भी आया है, तो मैं इसको देख रहा हूँ चेक करने के लिए, मैं चेक कर रहा हूँ। ओके इट्स द राइट आंसर 1.18, एक्चुअली 1.1772 मतलब 1.18 अप्रोक्सीमेटली 1.18 न्यूटन मीटर। तो हम लोग का टॉर्क कैलकुलेशन सही हुआ है, तो मैं फिर नेक्स्ट स्टेप में जाऊंगा। नेक्स्ट स्टेप में स्पीड ऑफ द मोटर डिफाइन हुआ, टैकोमीटर अप्लाई करके हम लोग मोटर का स्पीड डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि पेल्टन टर्बाइन का फ्लूइड यहाँ पे जाके ये पेल्टन टर्बाइन का ब्लेड को ऑलरेडी रोटेट कर फ्लूइड जाके पेल्टन टर्बाइन का ब्लेड को रोटेट करना शुरू कर दिया है, जिसके वजह से मेरा शाफ्ट रोटेट हो रहा है, और मैं टैकोमीटर को अप्लाई करके ये मेरा स्पीड को कैलकुलेशन कर सकता हूँ। स्पीड ऑफ द मोटर कितना हुआ है 960 आरपीएम, राइट 960 आरपीएम मेरा मोटर का स्पीड हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप मुझे बोल रहा है नेक्स्ट स्टेप में जाने, तो नेक्स्ट स्टेप में जा रहा हूँ, दिखा रहा है नोट द हुक गेज रीडिंग टू फाइंड द डिस्चार्ज। जब भी मेरा पेल्टन टर्बाइन का ब्लेड में जाके मेरा फ्लूइड स्ट्राइक करना शुरू किया, तो उस टाइम मेरा क्या हुआ है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड टेल रेस में जाके स्टोर होगा, तो पहले कितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड था, क्योंकि मुझे कोई भी सेटअप को अगर रन करवाना है तो मैं क्या करता हूँ, फ्लूइड का कोई भी एक्सपेरिमेंट में मैं पहले एक सर्टेन एक साइकिल कर लेता हूँ कि फ्लूइड मेरा जाएगा टेल रेस में जाएगा, फिर से कंटिन्यूअस फ्लूइड जाएगा टेल रेस में जाएगा, टेल रेस से निकाल के फिर वो स्टोरेज टैंक में आएगा, फिर वही फ्लूइड जाके सेंट्रीफ्यूगल पंप के थ्रू से पेल्टन टर्बाइन में स्ट्राइक करेगा, फिर टेल रेस में जाएगा। ये साइकिल इसलिए करना जरूरत पड़ता है क्योंकि अगर पाइप के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स अगर रहता है तो वो फॉरेन पार्टिकल्स पेनस्टॉक से वो बाहर निकल के चल जाता है, राइट। तो इसीलिए हम लोगों का जब भी पहला साइकिल के टाइम ही हम लोगों का टेल रेस में सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड रह जाता है, तो वो अभी मेरा इनिशियल स्टेप में देखो वो दिखा रहा है इनिशियल रीडिंग वाटर लेवल टिल क्रिएट इज इक्वल टू 0.51 सेंटीमीटर। अब मुझे बोल रहा है कि नोट द हुक गेज रीडिंग टू फाइंड द डिस्चार्ज।
अब मेरा पिल्टन टर्बाइन रोटेट होना शुरू हुआ है और मेरा वहां पे मोटर रोटेट कर रहा है, मैंने मोटर का स्पीड भी निकाल लिया हूँ टैकोमीटर से। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा जहां पे मेरा ये क्रॉस दिखा रहा है, क्योंकि अगर क्रॉस को दिखा रहा है तो ये अगर क्रॉस को क्लिक करूंगा देखो फ्लूइड का लेवल बढ़ा तो यहाँ पे फाइनल रीडिंग क्रिएट हुआ। फाइनल रीडिंग कितना आया 9.7 सेंटीमीटर, हेड ऑफ द वाटर एच इक्वल्स टू 9.19 सेंटीमीटर। ये हेड ऑफ द वाटर आया है 9.19 सेंटीमीटर, हेड ऑफ द वाटर मतलब कि मेरा फाइनल रीडिंग 9.7 सेंटीमीटर आया। वाटर का जो हेड है, जो फ्लूइड जो मेरा टेल रेस में जाके जितना हेड का जेनरेट हुआ है वो है मेरा 9.19 सेंटीमीटर। तो डिस्चार्ज अभी डिफाइन करने बोल रहा है, तो डिस्चार्ज डिफाइन करने के लिए फॉर्मूला दिया है 8/15 इंटू सी डी इंटू रूट अंडर 2g इंटू टेन थीटा बाई 2 इंटू एच टू दी पावर 5/2। सो कैन यू मेक इट द कैलकुलेशन। थीटा का वैल्यू, थीटा इज द एपेक्स एंगल बोला गया है, एपेक्स एंगल 90 डिग्री। थीटा एपेक्स एंगल इसलिए है क्योंकि जो मेरा आउटलेट एंगल है ना, जो मेरा रनर का आउटलेट एंगल, उसको हम लोग हमेशा थीटा पकड़ते हैं। Am I right? जो रनर का आउटलेट सॉरी मेरा अल्फा थीटा बीटा एंड फाई, जो थीटा है वो मेरा इनलेट का रनर एंगल है। तो इनलेट का रनर एंगल यहाँ पे कितना बोल दिया गया है, इनलेट का रनर एंगल यहाँ पे 90 डिग्री बोल दिया गया है, और कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज कितना बोल दिया गया है 0.6। अब इसको तुम लोग अगर पुट करोगे तो देखो तुम लोगों का वैल्यू कितना आ रहा है। कोई मुझे कैलकुलेशन करके आंसर बताओ, कोई कैलकुलेशन करके आंसर बताओ पार्टिसिपेंट्स में, कोई कैलकुलेशन करके आंसर बताओ। मनीष, मासूम, राहुल केसरी, राहुल कुमार गोंद, बताओ तुम लोग चारों में कोई एक बताओ, अपना फोन को अनम्यूट करो, कैलकुलेशन करो जल्दी। 232 हो गया है। कैलकुलेशन करो। मुकेश, मुकेश, यस सर, कैलकुलेशन करो। मासूम, कैलकुलेशन करो। मैं फॉर्मूला फिर से दिखा दे रहा हूँ, फॉर्मूला इज दिस। तो थोड़ा सा रीड कीजिएगा, दिखाई नहीं दे रहा सर। 8/15, 8/15 इनटू सीडी, इनटू रूट अंडर 2g, यस, इनटू टेन थीटा बाय 2, यस, इनटू एच टू द पावर 5/2। बाकी लोग, जो लोगों का नाम लिया था वो लोग भी कैलकुलेशन करना। थीटा का वैल्यू है 90 डिग्री और सीडी का वैल्यू है 0.6। मासूम, कैलकुलेशन चल रहा है? मासूम, यस सर, यस सर, कह रहे हैं। राहुल गोंद, कैलकुलेशन चल रहा है? यस सर। ओके, करो, करके बताओ जल्दी। सर एच कितना है? एच का वैल्यू है 9.19 सेंटीमीटर। सर 1.18 यही है ना? यस सर। देखते चेक करते हैं, रॉन्ग आंसर है। सही ढंग से कैलकुलेशन करो, गलत आंसर दिए हो। बोलो राहुल, बोलो मुकेश, बताओ आंसर क्या है। बताओ जल्दी।
क्या हुआ मुकेश? फोन में एच टू द पावर 5 पर 2 नहीं कर पा रहे हैं फोन। तो कैलकुलेटर यूज करो। तो कैलकुलेटर यहाँ थोड़ी ना है सर। राहुल, राहुल केसरी। यस सर। क्या आंसर है सर? यहाँ कैलकुलेटर नहीं हो पा रहा सर मोबाइल से। मनीष कुमार शाह सर? नहीं हो पा रहा है सर। सेम प्रॉब्लम तो पहले बताओ, नहीं हो पा रहा है मोबाइल में फंक्शन ही नहीं। किसके पास कैलकुलेटर है अभी सामने? किसके पास कैलकुलेटर है? कैलकुलेटर किसके पास है? किसके पास नहीं है? ओके ठीक है, अभी म्यूट करो, देखते म्यूट करो अपने तरफ से म्यूट करो। मुकेश थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेना। सर ले लिया। ठीक, अभी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ओके तो डिस्चार्ज का यहाँ पे कैलकुलेशन करने बोला है, तो जैसे अभी आंसर आया था 1.18, तो मान लो तुम लोग कोई भी कैलकुलेशन करके यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो इसको चेक करोगे तो क्रॉस दिखाएगा तो गलत आंसर है। तो अगर दो बार क्लिक करोगे तो यहाँ पे सर 362 पर कुछ समथिंग आ रहा सर। नहीं कितना आ रहा? 362.90। 362.90 देखो। yes, यहाँ पे आंसर भी आया है कुछ 0.0036 मीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब उसको कन्वर्ट नहीं किया सर। मे बी उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना। यस सर। इसका वैल्यू सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करके फिर आंसर करना पड़ेगा। ओके तो जो भी है तो तुम लोग कैलकुलेशन करके यहाँ पे डिस्चार्ज का वैल्यू पुट कर सकते हो। डिस्चार्ज का वैल्यू आया है 0.0036 मीटर क्यूब पर सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाने बोल रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में पहला बोल रहा है कि कांस्टेंट हीट वैल्यू सेट इन द एक्सपेरिमेंट। मतलब ये हम लोग को बेसिकली चेक करने बोल रहा है कि हम लोग को याद है कि नहीं, रिमाइंड करवा रहा है कि आप लोग कितना वैल्यू बनाए थे कांस्टेंट हीट। तो हम लोग कितना लिए थे कांस्टेंट हीट, कितना वैल्यू लिए थे? आई थिंक 16.5 था क्या? नो, इट्स 18.5 मीटर हम लोग वैल्यू लिए थे। ओके यस, तो हम लोग यहाँ पे उसको पुट करेंगे। अगर राइट होगा तो यहाँ पे वो ऐसे करके दिखाएगा यू आर राइट। देखे अभी आया था थम्स अप दिखाएगा यू आर राइट बोलकर। ओके सो नेक्स्ट हम लोग के पास ऑब्जर्वेशन आ गया है। गेट ओपनिंग 50%, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। डिस्चार्ज मेरा कितना आया है कैलकुलेशन करके मैंने बनाया था। कॉन्स्टेंट हीट मेरा 18.5 मीटर। स्पीड ऑफ द मोटर आ गया। टॉर्क मैंने कैलकुलेशन किया था 1.18 न्यूटन मीटर। अब मेरा बनाना है मुझे रिजल्ट। इनपुट पावर कितना है, आउटपुट पावर कितना है, एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी क्या है, यूनिट पावर, यूनिट स्पीड एंड यूनिट डिस्चार्ज। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम लोग जा सकते हैं। तो इनपुट पावर का जो फॉर्मूला है, अब मुझे तुम कोई बताओ कैलकुलेशन करके इनपुट पावर मेरा कितना वैल्यू आ रहा है, जिसमें वाई का वैल्यू है 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब, डिस्चार्ज का वैल्यू है 0.0036 मीटर क्यूब पर सेकेंड एंड एच का वैल्यू है, कांस्टेंट हीट का वैल्यू है 18.5 मीटर। तो मुझे इनपुट पावर का वैल्यू कोई कैलकुलेशन करके बताओ, तब जाके पुट करूंगा, तब जाके एक एक का आंसर आएगा मेरा। ओके सर। बाकी सब लोगों को भी बोल रहा हूँ, बाकी सब लोग भी ट्राई करो तो फिर प्रैक्टिस होगा। सर दिख नहीं रहा है सर, बहुत धुंधला टाइप में दिख रहा है। मैं बोल रहा हूँ इनपुट पावर का फॉर्मूला है वाई इंटू क्यू इंटू एच। y into q into h, जहाँ पे y का वैल्यू 9810, q का वैल्यू 0.0036 मीटर क्यूब पर सेकेंड एंड h का वैल्यू 18.5 मीटर। मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, फिर देखो। ओके मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, फिर देखो। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके अब बनाओ कैलकुलेशन का वैल्यू। देखो यहाँ पे सारा वैल्यू दिया हुआ है, मुझे बताओ क्या आंसर है। देखते हैं आंसर सही है या गलत है। एकदम सही आंसर है, 653.35 वॉट इनपुट पावर हम लोग दे रहे हैं पेल्टन टर्बाइन का ब्लेड में। मतलब दिस इज बेसिकली मेरा क्या पावर हुआ है, वाटर पावर हुआ है, क्योंकि पेल्टन टर्बाइन का ब्लेड में जो काइनेटिक एनर्जी लेके फ्लूइड स्ट्राइक करता है उसका पावर हम लोग निकाले, इसलिए हम लोग डिस्चार्ज को यूज किए थे। वाई मतलब स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, क्यू मतलब मेरा डिस्चार्ज और हेड मतलब कैपिटल एच कांस्टेंट हेड, तीनों को मल्टीप्लाई किए तो मेरा कितना आया है। बेसिकली ये फॉर्मूला क्या है, रो जी
QH. Pilton turbine का water power का जो formula है rho g QH. Specific weight मतलब rho g होता है. So rho g का value 9810, Q का value 0.0036 and H का value 18.5. So rho g QH करके मैं water का power निकाल दिया. अब मुझे output power निकालने बोल रहा है. Output power का formula है 2 pi nt by 60, where 2 pi n का value है 960. So T का value है 1.18 by 60. Can you please give me the answer? Can anyone please give me the answer? Yes, sir. Bolo. सर 118.57 कौन बोल रहे हो सोनू ओके 118.57 चेक करते हैं yes. एकदम सही आंसर आउटपुट पावर 118.57 वाट आउटपुट पावर मतलब ये बेसिकली शाफ्ट का पावर देखे और इनपुट पावर मतलब वाटर पावर हुआ आउटपुट पावर मतलब वो शाफ्ट का पावर हुआ शाफ्ट का पावर एक्चुअली वाटर जितना पावर दे रहा है उसके रेस्पेक्ट में जाके वो शाफ्ट रोटेट कर रहा है तो ये बेसिकली आउटपुट पावर हुआ शाफ्ट का पावर अब मैं देखूंगा एफिशिएंसी एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इनटू 100 कर लो एफिशिएंसी निकालो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या है बाकी बाकी लड़का लोग भी कैलकुलेशन करके बोल सकते हो मुझे बताओ प्रैक्टिस होगा बोलो जल्दी बोलो कितना होगा एफिशिएंसी कितना होगा एफिशिएंसी बताओ सर 18.17% 18.17% 18.18 यस सर 18.17 चेक करते हैं एकदम सही आंसर 18.15% एफिशिएंसी हुआ अब यूनिट पावर का फॉर्मूला क्या है देख लो आउटपुट पावर होल टू द पावर रूट अंडर h टू द पावर 3 कर सकते हो मोबाइल में मोबाइल में यस पॉसिबल पॉसिबल है कर लो एक बार h क्यूब करके उसको रूट करना है यस सर देखो यूनिट पावर का वैल्यू कितना आ रहा है तो आउटपुट पावर को थोड़ा सा शो कीजिएगा सर आउटपुट पावर 118.57 वाट 57 वाट जल्दी बाकी लोग भी कैलकुलेशन करो फॉर्मूला एक बार दिखा एच का वैल्यू एच का वैल्यू एच का वैल्यू है 18.5 मीटर सर 1.50 आ रहा सर कौन बोल रहे हो विकास सर विकास 1.50 यस सर देखते हैं गलत आंसर आया है विकास ये बेसिकली h टू द पावर h क्यूब रूट अंडर h क्यूब है ओ सर सॉरी सर अंडर h क्यूब है चेक करो आंसर चेक करो सर 0.67 0.67 नाम क्या है तुम्हारा सोनू सही आंसर हुआ है यूनिट पावर 0.62 वाट 0.67 बोले 0.62 वाट लिया मतलब एप्रोक्सीमेट आंसर ले लेगा नेक्स्ट यूनिट स्पीड का फॉर्मूला क्या है कैपिटल एन डिवाइडेड बाय रूट अंडर एच ओके सो यूनिट स्पीड निकालो एन एन का वैल्यू है 960 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 18.5 बताओ आंसर क्या होगा 960 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 18.5 96 एक मिनट
960 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 18.5 है ना. हाँ सर 223 आ रहा सर. 223.19 हाँ सर 223.20 होगा. 23.19 ये आंसर है जो मैंने लिखा अभी. 223 या 23? 223 सर. 223.20 अच्छा 223 यस सर. ओके देखते हैं एकदम राइट आंसर है 223.2 आरपीएम. नेक्स्ट यूनिट डिस्चार्ज का फॉर्मूला Q डिवाइडेड बाय रूट अंडर h टू द पावर Q. Q का वैल्यू है 0.0036 मीटर क्यूब पर सेकंड. Q का वैल्यू है 0.0036 मीटर क्यूब पर सेकंड और फॉर्मूला है Q डिवाइडेड बाय रूट अंडर h क्यूब. Q डिवाइडेड बाय रूट अंडर h क्यूब. बोलो कितना आंसर आया बताओ. 8.35 यस. देखते हैं नहीं रॉन्ग आंसर है. ये एच क्यूब रूट अंडर एच क्यूब है. पहले एच को क्यूब बनाओगे उसके बाद उसको रूट करोगे. सर 4.52 10 to power minus 5. ऐसे लिखने से नहीं लेगा. उसको एसडी में करो. एसडी में करो मतलब पॉइंट में आंसर बताओ. 0. कितना होगा 0. सर 0.00. एक लड़का बताओ. एक लड़का 0.000084 84. यस सर ये एकदम सही आंसर है. 0.00084 मीटर क्यूब पर सेकेंड. तो ये मेरा यूनिट डिस्चार्ज का आंसर हो गया. ओके स्क्रीन को ये करने दो. राइट तो इसके बाद मुझे नेक्स्ट स्टेप में जाने बोल रहा है. तो ये मेरा रिजल्ट वैल्यू जिसमें मुझे वाटर पावर शाफ्ट पावर ओवरऑल एफिशिएंसी यूनिट पावर यूनिट स्पीड एंड यूनिट डिस्चार्ज सारा वैल्यू मिल गया. इसके बाद मैं उसको वैल्यू को पुट करके मैं चेंज कर सकता हूँ. अब मैं यहाँ पे देखो ट्रायल तुम्हें क्या है कि तुम अगर एक अनदर दूसरा कोई लोड दोगे तो दूसरा कोई लोड के रेस्पेक्ट में भी ये टॉर्क कैलकुलेशन बनाएगा. फिर अगर सेम कांस्टेंट हेड में अगर मैं जितना लोड चेंज करूंगा उतना लोड के ऊपर डिपेंड करके मेरा टॉर्क चेंज होगा और उतना टॉर्क के ऊपर चेंज करके मेरा बाकी जो वेरियस कैटेगरी है ठीक है जैसे टॉर्क यूनिट डिस्चार्ज यूनिट स्पीड ये सब मेरा सारा वैल्यूज चेंज होगा. तो ये बेसिकली था मेरा कांस्टेंट हेड के रिस्पेक्ट में पेल्टन टर्बाइन का परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक अब आज के लिए मैं ये वीडियो क्लास यहाँ पे ऑफ करूंगा. ठीक है तो तुम लोगों को मोटा मोटी समझ में आ गया है कि परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेल्टन ट्यूब कैसे बनाया जा रहा है. इसके बाद एक पोस्ट टेस्ट है जिसमें वही क्विज जो तुम लोग काम किए हो उसके अगेंस्ट में मेरा क्विज का आंसर दिया गया है. तो क्विज का आंसर तुम लोग यहाँ से निकाल सकते हो. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. अ पेल्टन व्हील इज आइडियली सुइटेड फॉर हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज. कौन सा आंसर होगा पहला वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. कोई भी बता सकते हो बोलो. सर लो हेड लो डिस्चार्ज. नहीं सर हाई हेड लो डिस्चार्ज. सर ए नंबर. सर ए नंबर. ए नंबर कौन बोला. सर दिनेश. ओके नेक्स्ट यूनिट डिस्चार्ज थ्रू द हाइड्रोलिक टर्बाइन इज. द यूनिट डिस्चार्ज थ्रू द हाइड्रोलिक टर्बाइन इज क्यू. अभी किए यूनिट डिस्चार्ज का फॉर्मूला अभी किए. सर ई क्यू बाय रूट एच. सर क्यू बाय रूट एच. मुकेश मल्टीपल जेट्स आर यूज्ड इन पेल्टन व्हील फॉर. मल्टीपल जेट हम लोग क्यों यूज करते हैं. इंक्रीज द स्पीड रोटेशन इंक्रीज द सेम और आउटपुट इन द सेम हेड. सर डी नंबर सर इंक्रीज द power output with the same. Okay, next question. Fast. In an impulse turbine installation, excessive water hammer heads are avoided.
by using guide wheel, brake nozzle, diffuser, needle valve? Sir, brake nozzle. Brake nozzle, sir. Excessive water hammer heads are avoided by using brake nozzle. Or coach? Diffuser. Needle valve. Next, the pressure above water is atmospheric and remain constant while passing over the runner is. ये तो impulsor है. Impulsor है. Yes. देखते हैं submit quiz. Oh, out of 5, 4 is right, 1 is wrong. Needle valve wrong है. Answer क्या है? Break nozzle. Break nozzle नहीं होता sir. Break nozzle. Break nozzle. Break nozzle देखते हैं फिर से. और नहीं ले रहा है जो भी है तो इस तरीके से हम लोग पोस्ट टेस्ट को कर सकते हैं ठीक है कि पहले हम लोग लैब कर लेंगे उसके बाद हम लोग टेस्ट ले कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे फीडबैक है तो फीडबैक में तुम लोग अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर कर सकते हो तो अभी मैं आज ध्यान रखना स्टूडेंट्स आज मैंने कॉन्स्टेंट हेड के ऊपर पेल्टन टर्बाइन का परफॉर्मेंस करवाया हूँ राइट और अगर मेरा इस हफ्ते में सेंट्रीफ्यूगल पंप का अगर चैप्टर एंड हो जाता है या सेंट्रीफ्यूगल पंप चैप्टर के बाद हम लोग पेल्टन टर्बाइन का कांस्टेंट स्पीड उसके बाद फ्रांसिस टर्बाइन उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल पंप ये तीन एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करेंगे उसके बाद जाके हम लोग रेसिप्रोकेटिंग पंप का चैप्टर शुरू करेंगे ठीक है तो आज का ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया तुम लोगों को समझ में आया है सब कुछ यस सर यस सर क्लियर है Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. ठीक है और तुम लोग अपना मोबाइल में भी अपना वर्चुअल लैब ओपन करके जैसे मैंने दिखाया वर्चुअल लैब का सिविल इंजीनियरिंग में जाके फ्लूइड मशीनरी लैब न्यू में क्लिक करके अपना एक्सपेरिमेंट तुम लोग कर सकते हो लेकिन अब मैं इस बार सेंट्रीफ्यूगल पंप का चैप्टर फुल्ली कंप्लीट होने के बाद मैं बाकी जो हम लोग का एक्सपेरिमेंट बच गया है वो एक्सपेरिमेंट को स्टडी करूंगा पहले हम लोग को 5 एक्सपेरिमेंट हो गया था आज एक एक्सपेरिमेंट हुआ है 6 और हम लोग 3 एक्सपेरिमेंट करेंगे 9 उसके बाद रेसिप्रोकेटिंग पंप स्टार्ट करेंगे और रेसिप्रोकेटिंग पंप का हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम लोग को टोटल 10 एक्सपेरिमेंट फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट को कॉपी में कैसे लिखवाया जाए वो हम लोग बाद में स्टडी करेंगे ठीक है और आज हम लोग मॉडल में मैं क्या करूंगा इस एक्सपेरिमेंट रिलेटेड जो जो मैनुअल है इस एक्सपेरिमेंट का वो मैं बना लिया हूँ ऑलरेडी तो वो मैनुअल मैं तुम लोगों को दे दूंगा उसको थोड़ा स्टडी कर लेना अपना फ्री टाइम में और आज का जो वीडियो लेक्चर दिया गया था मॉडल में वो कल का वीडियो लेक्चर में मैं दे दूंगा राइट सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय क्लास हैव अ नाइस डे स्टे होम एंड स्टे सेफ थैंक यू घर में रहना सब लोग स्टडी करो ओके थैंक यू बाय 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 एवरीवन बाय I'm going to go to the next one.